स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, सातवें वेतन आयोग के भत्ता भुगतान को मंजूरी। राज्यपाल मलिक ने घाटी के नेताओं पर साधा निशाना, बोले जन्नत के नाम पर बच्चों को मरवाते हैं ये लोग। लोन घोटाले में जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन की हो सकती है गिरफ्तारी, कार्रवाई की तैयारी में है एसीबी। पीएम से मिले नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, मोदी ने ट्वीट कर कहा देश को इनकी उपलब्धियों पर गर्व। अब समाचार विस्तार से। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि यहां जितने समाज, धर्म, हुर्रियत और मुख्यधारा के नेता कहे जाते हैं, ये सब दूसरों के बच्चों को मरवाने का काम करते हैं। उक्त नेताओं व लोगों पर निशाना साधते हुए मलिक ने कहा कि इनमें से किसी की संतान नहीं मरती, किसी की संतान आतंकवाद की ओर रुख नहीं करती। जेके बैंक के लोन घोटाले में पूर्व चेयरमैन, उप चेयरमैन और अन्य की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों की माने तो इस घोटाले में पूर्व मंत्री और कुछ अन्य नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। उधर दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से मंगलवार को मुलाकात की। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मुलाकात काफी अच्छी रही। पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सेना की ओर से रविवार सुबह टंडा सेक्टर से गुलाम कश्मीर में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने के बावजूद पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट थम नहीं रही है। पाकिस्तानी फौज ने मेंढर के बालाकोट सेक्टर में मंगलवार को भी गोलाबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान फौज की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को अपना 83वां जन्मदिन मनाया, लेकिन बिना किसी तामझाम के। जन्मदिन पर सिर्फ उनसे उनकी पत्नी मोली और बेटी साफिया उनसे मुबारक देने के लिए मिल सकी। फारूक अब्दुल्ला को उनके ही घर में पब्लिक सेक्टर एक्ट के तहत बंदी बनाया गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य प्रशासन ने 459 करोड़ के निजी निवेश से जुड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में मिनी फूड पार्क परियोजना भी शामिल है। मुख्य सचिव बीबीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में अपेक्स प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस कमेटी की 44वीं बैठक हुई। बैठक में मंजूर की योजनाओं के तहत जम्मू से सटे बड़ी ब्राह्मणा में नव भारत समूह की ओर से 78 करोड़ से मिनी फूड पार्क बनाया जाए। कश्मीर में सुरक्षा बलों के कड़े दबाव के आगे आतंकी संगठनों से लेकर पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई व सेना हताश हो चुकी है। हिजबुल मुजाहिदीन ने दक्षिण कश्मीर में अपने ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइक उर्फ जुबेर उल इस्लाम को हटा दिया है। सुरक्षा बलों ने उस पर 12 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। उसके स्थान पर नवीद बाबू उर्फ बाबर अल्जाम को कमान सौंपी है, जो कि सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में है। कांग्रेस वर्कर्स ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कॉर्पोरेटर्स को कोई भी पर्याप्त फंड नहीं दिए गए, जिससे कि वे वार्ड्स की कोई भी डेवलपमेंट कर सके। जम्मू को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की बात की जाती है, और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जितने भी इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स हैं हमारे, जितने भी इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई स्मार्ट सिटी। आज तक आप किसी भी कॉर्पोरेटर को बुला के पूछ सकते हैं कि किसी भी मीटिंग में जो स्टेट ने की हो, जो सरकार ने की हो स्मार्ट सिटी के लिए, उस पर किसी भी। सिख फ्यूचर इन जम्मू एंड कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेंटर गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स को लेकर की अपील। थैंक्स करते हैं, इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। हमारी जो पहली डिमांड है कि जो जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन होने जा रहा है, टीवी के माध्यम मालूम चल रहा है कि डीलिमिटेशन होने जा रहा है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीओके के सिखों के लिए की जाए। दूसरी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीडीसी चुनावों को लेकर बीजेपी पर अपना रोष प्रकट किया। सड़कों पे आएंगे और उसके साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भी सड़कों पे आएंगे। ब्लॉक चनैनी, रामनगर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी और सांबा के अंदर ये ऐसी धांधली चले जा रही है, और अगर इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अभी चेक रखेगी तो आने वाले दिनों में काफी खमियाजा उठाना पड़ेगा हमारे स्टेट को। बीजेपी ऑफिस में संस्कृति सेल द्वारा स्वतंत्रता सेनानी शफाक उल्लाह खान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के अंदर मुस्लिम और हिंदू लड़े, उसको भी करारी चपत दी इस क्रांतिकारी ने। आज उस अशफाक उल्लाह खान जी का आज यहाँ पे जन्मदिन है, जो सब हम साथी मिलकर, जिसमें हर समाज और वर्ग के लोग आए हैं, हम इनकी सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज, नई बस्ती, जम्मू।
नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेस रेजिडेंसी रोड जम्मू कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन डिजाइनर सूट साड़ीज लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स गणेश दया नर्सिंग होम तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप पक्का गराट जम्मू फ्रेंड्स टॉयज विजिट फॉर ऑल काइंड ऑफ टॉयज फॉर ऑल एज ग्रुप संजय नगर जम्मू